अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी कैरियर से होंगे और आपकी दुआओं से हम सभी भी कैरियर से हैं। सो फाइनली मम्मी आ गई हैं फ्रेंड्स। तो मैं कल का व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी भी थी और बहुत ज़्यादा बिजी भी थी, इस वजह से कल का व्लॉग नहीं शूट कर पाई। लेकिन आज है चांद रात क्योंकि कल से है रमज़ान स्टार्ट, सो आज है चांद रात। तो आज से आपको हमारा व्लॉग कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, नो गैप। तो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी कि मैं आज सुबह से कितना प्रिपरेशन, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया कि और सारे सफाई हो चुके हैं, लेकिन जो कर्टेंस वगैरह है चेंज करने, वो आज चेंज करना है। तो मैं आज आप लोगों को सब दिखाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि साहिबा कितनी जानवी छुट्टी ने, मैं उसको बहुत सारा काम देती हूँ बट वो नहीं करती है। तो बस जो थोड़ा बहुत काम है जैसे कि पंखा वगैरह साफ़ करना, क्योंकि रमज़ान में ये 30 दिन का जो रमज़ान होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब तो इसमें इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके आप इबादत कीजिए। और मैं हम लोगों का हमेशा से रहता है कि हम लोग रमज़ान के टाइम पे, जैसे तो हमेशा ही साफ़ रहता है घर, बट रमज़ान के टाइम पर और साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि हम लोग कहीं पर भी बैठ के इबादत करते हैं। तो इसी वजह से पूरा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये 30 दिनों का जो रोज़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा रौनक, इस महीने का बहुत ज़्यादा रौनक होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पूरा 30 दिन में सहरी में उठने का, इफ्तार करने का, बहुत ही ज़्यादा। सो अभी बज रहे हैं मैं 8 बजे की उठी हुई हूँ और अभी बज रहे घड़ी में 8:30, क्योंकि मैंने 9 बजे का कोचिंग रख लिया है सुबह में बच्चों का। अभी जब तक एग्ज़ाम स्कूल नहीं खुलेगा तब तक मैं 8 बजे उठ गई हूँ। मैंने सारे मतलब मैं गर्म पानी भी पी ली, मैं खजूर भी खा ली, मैं सब कुछ कर लिया। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, मम्मी भी उठ गई हैं, साहिबा सो रही है, आसिफ भी सो रहा है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं नाश्ते मम्मी लोगों के लिए क्या बना रही हूँ। देख सकते हैं आज मैंने मम्मी लोगों के लिए चीला बनाने के लिए सोचा है कि चीला मैं मम्मी लोगों को दूंगी बनाकर। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी चाय भी एकदम अच्छे तरीके से पक गई है, मैं इसे अब बंद कर दूंगी। तो मैं चीला बनाकर मम्मी लोगों को देने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चीला डाला था और मैं थोड़ा सा ट्यूशन बनाने लगी थी, तो ये चीला थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, बट हो गया। मैं साहिबा को देना है ये चीला, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो मैं अभी नाश्ता बनाकर, अभी ट्यूशन में बच्चे भी आ गए, मैंने उन लोगों को काम दे दिया है और अभी मैं बनाने आ गई हूँ चीला, क्योंकि मम्मी और साहिबा दोनों थायराइड की दवाई खाती है, तो उन लोगों को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक चाहिए रहता है नाश्ता करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए मम्मी और साहिबा का। अब मैं बनाकर जा रही हूँ बच्चों के पास फिर से, तब तक वो धीरे धीरे चीला पकेगा, मैं जा रही हूँ तब तक बच्चों को देखने, क्योंकि मैं थोड़ा भी हटती हूँ तो आपको तो पता ही कि बच्चे तो बदमाशी करने लगते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पर, और आज मैंने पहले भी बताया आज आपको चांद रात है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 9 बजे से स्टूडेंट आ गया, उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते तो टाइम का पता ही नहीं चल पाता है, जबकि बज गया है घड़ी में 11। और अभी थोड़े बहुत साफ सफाई बाकी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि रमजान में 30 दिन, आपने पहले भी बताया है कि साहिबा खान जांगर चुट्टी है। एकदम है, साहिबा खान जांगर चुट्टी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप लोग किसका काम सबसे ज्यादा दिखता है फ्रेंड। तो अभी जो साफ सफाई है वो थोड़े बहुत बाकी है, मैं अभी साहिबा को भी काम बता रही हूँ क्योंकि साहिबा पूरे घर के जो पंखे है वो साफ करेगी, साहिबा नहीं करेगी कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ कर्टन्स वगैरह चेंज करने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 30 रमजान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो पहले हम लोग सफाई कर लेते, फिर बाद में बैठ के हम लोग बताएंगे रमजान होता क्या है। चलिए ठीक है, जिद कर रही है कि इसको आगे रूम में पेचकस से दिखा, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स मिल गया ये चोटी ने, इतनी लड़की चोटी ने है इसको बिल्कुल एकदम जांगर चोटी ने सब तरीके से, देखिए इसको मिल गया, इनको बिल्कुल भी इनको मिल नहीं रहा। ये कौन सी तरीका है खेलने का यार, ये हम अभी जाके रखे, ये रखा हुआ नहीं था वैसे। चुप रहो, अल्लाह डरो, रमजान का महीना है, कहते हैं फ्रेंड्स की रमजान के दिन पे शैतान बंद हो जाते हैं, तो शैतान निकली हुई अभी हमारे यहाँ अभी। तो अभी जा रही है पंखा पूरा साफ करवाने, देखिएगा अभी इसमें से मैंने इसको पंखा साफ करने के बोला, ये पंखा निकल के दीदी को दे दी धुलने के लिए, देख लीजिए आप इससे ज्यादा आप क्या है मैं बोलूँ आपको। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये फ्रिज पूरा साफ कर रही हूँ, और अभी ये थोड़ा नया है मेरा फ्रिज, मैं इसको अभी और नया करूँ क्योंकि इसमें हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा हाथ गंदा हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इन सब चीज़ों की भी ध्यान रखना चाहिए रहता है मुझे। अभी कोने कोने सफाई करना है, और आप जैसा देख सकते हैं कि जो वीडियो बना रही लड़की वो मोबाइल पकड़ के वो सिर्फ बनाने ही आता है उसको, मैं पूरा काम कर रही हूँ बट फिर भी वो सिर्फ वीडियो बना रही है। जब जो हम काम कर रहे थे, मेरा काम करते हो तो नहीं दिखाई तुम ये क्या की है,
ये सिर्फ पंखा खोली है और पंखा दे दी दीदी को, तो काम हो गया सारा, मतलब है काम हो गया इसका। और आज तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं किस चीज के लिए, चांद देखने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहां से चांद तो दिखने से रहा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए तो चांद तो दिखता नहीं हम लोगों को, लेकिन चांद देखने का अलग ही अपना एक खुशी होता है। तो हम लोग चांद देखने के लिए कहाँ जाएंगे थोड़ा आप देखिएगा हम लोगों के साथ, आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रमज़ान को लेकर हम लोग जितना एक्साइटेड रहते हैं उतने ही लोग भी एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ के जो मेडिकल स्टोर वाले भैया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो लोगों ने हम लोगों, मतलब वो वार्डन गए और वो वार्डन में उनको सेवई दिखा, तो उनको पता है कि कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो वो हम लोगों के लिए सेवई लेकर आए, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो वो भी बहुत कंसर्न हो गए थे मेरे लिए। तो वो सेवई लेकर आए और उन्होंने बोला कि आपके लिए ले आया हूँ सेवई, तो बहुत ही बहुत ज्यादा उनको शुक्रिया। और ये साहिबा का फेवरेट सेवई है, लच्छा सेवई, तो बहुत ही ज्यादा साहिबा खुश हो गई है। तो थैंक यू सो मच भैया, और अभी उनके साथ हम लोग भी एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं कि ये पंखा कितना ज्यादा गंदा है, तो साहिबा भी इसको खोलने आई है। ये पंखा खुलेगा तो फिर अभी इसको हम साफ करने के लिए भी देंगे। और इस रूम के कर्टन्स हमने चेंज कर दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस रूम के कर्टन्स ये हो गए। सोफा कवर भी हमने चेंज कर दिया है। और देखिए साहिबा का काम देख लीजिए आप लोग, ये देखिए पंखा गया नीचे, यही काम ये करती है महारानी विक्टोरिया, पूरा गिराना पड़ाना इनका काम रहता है बस। आप देख सकते हैं कि डील किससे की है, दीदी के साथ डील की है, दीदी को लाके तो वो दे रही है, और दीदी तो अपना मुंह नहीं दिखाना उनको, कोई बात नहीं मत दिखाइए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि साहिबा यहाँ पर पंखे को एकदम अच्छे तरीके से क्लीन कर रही है, क्योंकि पूरा एकदम डस्ट बैठ जाता है अंदर अंदर कोने कोने तक, क्योंकि हम लोग कोयला खदान में रहते हैं। हाँ ये बात तो सही है कि हम लोग कोयले खदान में रहते हैं, तो इसको अच्छे से पूरा साहिबा क्लीन कर दी। अभी उधर वाला पंखा बाकी है, तो अभी करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको आगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि मिरर को मैंने कितने अच्छे से क्लीन किया कि मैं एकदम इसमें अच्छे तरीके से दिख रही हूँ, वैसे भी तो नहीं करती तो भी दिखती ही, तो मैंने बहुत अच्छे से मिरर को क्लीन कर दिया, एक एक पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ, पंखे तो साफ हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, अब थोड़ा बहुत जो बचा है, कर्टन्स भी मैंने पीछे लगा दिए हैं, अब जो थोड़ा बहुत बचा है मैं करती हूँ। आप देख सकते हैं साहिबा का काम अच्छा लगा मुझे थोड़ा, उसने पूरा अच्छे तरीके से पंखे को एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये सब डस्ट फ्रेंड्स तो बैठ ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं वगैरह जो होते हैं, और हम लोग तो माशाल्लाह इतने से कोयले खदान में रहते हैं कि ये सब तो डस्ट बैठ ही जाते हैं अच्छे खासे। सो अब हम दिखा रहे हैं कि अलमारी के ऊपर कितने सारे बुक्स वगैरह सब साहिबा ने कलेक्ट करके रखे। अब मैं इसको साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अलमारी का चेहरा कैसा है। सो मैंने आपको दिखाया था कि इस पर कितना पूरा गंदा पड़ा हुआ था, जो कि हम लोगों ने पूरा साफ कर दिया ये, और पंखा भी पूरा क्लीन हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी और साफ सफाई करने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सभी बीच में मेरी फ्रेंड आ गई थी कौसिया, तो हम लोग थोड़ा गपशप करने लगे थे, और उसके बाद वो लंच करके गई है घर पे, तो अभी हम लोग फ्री हुए हैं। और आप देख सकते हैं पीछे साहिबा ने पंखे को भी सेट कर दिया, और ऑलमोस्ट सारे रूम क्लीन हो चुके हैं आपको जैसा कि साफ सुथरे दिख रहे हैं पूरे। तो अब सिर्फ बेडशीट चेंज करना बाकी रह गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पूरे घर का एकदम अच्छे से साफ सफाई के कोना हम लोगों ने नहीं छोड़ा, पूरा साफ कर दिया। अब मैं अपने आप को भी साफ कर लूँ, मैं चुचुंदर नहीं दिख रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ फटाफट, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे नमाज पढ़ना, 2:30 बज गए ऑलमोस्ट, तो मैं नमाज पढ़ के फिर आप लोगों को फिर मैं आगे दिखाती हूँ मैं आगे क्या करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सुबह ही मैं अपने सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया, और ये जो पीछे से आवाज़ आया उसको प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, ये मेरा बदतमीज़ भाई है। ये क्यूट सी स्टूडेंट मेरे को इतनी क्यूट लग रही है, देख सकते हैं आप इसके कपड़े पे भी बटरफ्लाई बनी हुई है, रबर बैंड देखिए मेरे को, और इनके रबर बैंड देखिए इतने ज्यादा क्यूट लगे मुझे इसके रबर बैंड, मैंने कहा कि अभी इसका मैं बनाऊंगी। हम फ्रॉक ले लें तो मैं आपको जिया का पूरा फ्रॉक दिखाती हूँ, जिया एकदम बटरफ्लाई लग रही है आज, छुपी को दिखाती हूँ छुपी, जिया बटरफ्लाई लग रही है। और यही लड़की है जो टॉपर है अपने स्कूल की भी और ट्यूशन की भी टॉपर है, 99.09 के हिसाब से आई है, और मेरा एक छोटू सा स्टूडेंट मैं उससे भी आपको मिलवाती हूँ, सूफी का मियर बेटा, ये बहुत ही छोटू सा मेरा स्टूडेंट है, बहुत ही क्यूट सा है, जिसका अभी सेंट जोसेफ में एडमिशन हुआ है। अपना नाम बता दीजिए अपना सबको, तो व्हाट इज योर नेम, तो तेज बोल दीजिए, माय नेम इज सुफियान खान। हाँ इनका नाम सुफियान खान है, ये भी बहुत क्यूट पाई है, बहुत शर्मीला बाबू है मेरा ये भी, और पीछे आप शर्मीले इंसान को देख सकते हैं जैसे बहुत ज्यादा शर्माते हैं ये।
तो ये मेरे क्यूट क्यूट स्टूडेंट जिनको आप देखकर माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने बेडशीट भी बिछा दिया, अभी ऑलमोस्ट सारे काम हो गया। मैंने दिखाया आपको कि किस वाले बच्चे आए हैं, मैं उनको पढ़ाकर फिर मुझे और साहिबा को जाना। आसिफ की शर्ट हमने जो दी है शक्तिनगर में प्रेस होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन कर लेते हैं लोग चार्ज, और आप सोचते होंगे कि हम लोग घर पे प्रेस क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आसिफ का शर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा उठाकर स्टॉक भर के दे दिया 30 शर्ट। तो वहाँ पर एक शर्ट का प्रेस करने का 5 रुपये लगता है, इसी वजह से हम लोग वहाँ जाके देते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर उसको शर्ट लेने, फिर वहाँ से आएंगे तो हम लोगों को शाम में जो थोड़ा बहुत ज़रूरी है जो इफ्तारी का सामान लेना, उसके बाद हम लोग वो मार्केटिंग करने भी जाएंगे, तो हम लोग आपको ज़रूर देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम लोग निकल गए हैं अभी शक्तिनगर के लिए, और आप देख सकते हैं कि धूप अभी थोड़ी कम हो गई है और बज रहे हैं 5 ऑलमोस्ट। तो अब हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं शक्तिनगर। तो हम आपको रोड दिखाते हैं कि इधर का रोड कितना ज़्यादा ख़राब है और कितना ज़्यादा डस्ट है इधर, इसीलिए मैं और साहिबा पूरा फुल कवर करके हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर रोड बन रहा है तो कितना ज्यादा डस्ट हो चुका है कि मतलब यहाँ फेस कवर खोल के आने का मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और ये अंकल के यहाँ से शर्ट ले रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है शक्तिनगर का शॉपिंग सेंटर, एकदम खाली है क्योंकि ये तो है। ये देख सकते हैं आप अंकल जो हैं, उनका छोटा सा शॉप है लेकिन बहुत ही अच्छा अंकल का सर्विस रहता है। लोगों ने ले लिया शर्ट और अब हम लोग जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं पीछे जो NTPC का जो रोड और इधर का जो सोसाइटी होता है वो इतना ज़्यादा क्लीन होता है, इतना ज़्यादा क्लीन होता है कि बहुत ही शक्त, और धूप मेरे मुँह पर पड़ रही है, पूरा टैन करेगा हमको, लेकिन ये शाम की धूप है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। सो अभी हम लोग पहुँचते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि सूरज की किरणें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में ही साहिबा की एक फ्रेंड का घर पड़ता है, तो वो बोली कि हम लोग से मिलते हुए जाना, इसलिए अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, वो आ रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें, उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। आ गई है, उसको फोकस हम लोग करेंगे। हेलो करो मेरे सब्सक्राइबर को। देखिए मैडम जी हम लोगों को बहुत वेट कराने के बाद आएंगे। वो घड़ी आ गई है जब हम लोग चांद देखने में बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करते हैं। सो अभी हम लोग देखने के लिए निकले हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा रोशनी है तो अभी तो चांसेस नहीं है देखने के लिए, बट कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हमने प्लांट्स लगवाए थे वो कितने ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। जो प्लांट्स लगाए थे वो मतलब जो लगवाए थे वो कितने ज्यादा माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर पूरे तरीके से अच्छे से इनको पानी मिल रहा है और मस्त एकदम अच्छे से। अब ये लोग का रूट्स भी अच्छे तरीके से हो गया है नीचे सेट, तो अब हम इसको अपने अपने जगह पे रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहे हैं, और ये सारे सनफ्लावर के फ्लावर्स हैं, और इधर कुछ कुछ तो हैं देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा घर जो है, मैं बाहर आई तो मुझे ये छोटू सा सनफ्लावर मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। और कितना क्लियरिटी है देख लीजिए आप, इसमें क्यूटी घुस रही है। तो आप देख सकते हैं हम लोग स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं चांद देखने। वो तो पता ही है कि 30 का रोजा है ही कल से, लेकिन फिर भी चांद देखने का एक अलग ही खुशी होता है। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से चांद देखने, मैं आए हैं यहाँ पर, अब यहीं से चांद दिखेगा, हम लोग देखते हैं। वाह दिख गया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हम आप लोगों को भी दिखाते हैं चांद, देख सकते हैं आप लोग इसमें भी चांद देख सकते हैं, रमजान का चांद दिख गया माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हम लोगों को घर से भी दिख रहा है अच्छे तरीके से, मैं मम्मी को अपने मोबाइल में दिखा रही हूँ, देखिए ये दिख रही है चांद, देखिए वो चांद अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, रमजान का चांद मुबारक हो आप सभी को,
और अल्लाह आप लोगों का इस बार रमजान अच्छे तरीके से बीते। तो मैं आप लोगों को जा रही हूँ नमाज पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी खान सिस्टर की तरफ से और मेरी मम्मी की तरफ से रमजान बहुत 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 मुबारक। आप सभी को रमजान मुबारक हो। अल्लाह करे इस बार आपका रमजान बहुत ही ज्यादा अच्छा। सो फ्रेंड्स, सभी हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि रमजान का चांद देखने के बाद जो सूर्य फतह और सूर्य कद्र का वजीफा है वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो हम लोग वही पढ़ने लगे रमजान का चांद देखने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद दुआ करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रमजान का। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम लोगों का थोड़ा बहुत जो जरूरी सामान है जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह है वो सारी चीजें बची हुई हैं अभी लाने के लिए। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं और मार्केट जाकर अभी हम लोग वो सारा सामान लेकर आते हैं क्योंकि आज से हम लोगों का तरावी भी स्टार्ट हो गया। तो हम लोग सामान लेने के बाद आपको बताते हैं कि आज तरावी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जिनको नहीं आता है वो पूरी कोशिश करिएगा, हम लोग को ब्लॉग देखिएगा और आप लोग भी कोशिश करिएगा। और फ्रेंड सीरियसली बता रहे हैं, मतलब प्लीज रमजान के साथ जो तरावी पढ़ने का जो सुकून है ना वो बहुत ही ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पढ़ती हूँ या मैं सही चीजें करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हो सके आपको इबादत करनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग का इबादत में कोई कमी ना हो। तो हम लोग हर साल, अभी 4 साल से हम लोग कंटिन्यूसली तरावी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का ब्लॉग जरूर देखिएगा, जिनको अभी तरावी पढ़ने नहीं आता, जो बोलते हैं कि हमें जैसे सूरह नहीं याद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपको सूरह नहीं याद है तो आप तरावी नहीं पढ़ सकते। आपको जितनी सूरह याद है आप उतने सूरह से साथ तरावी पढ़ सकते हैं। तो इससे हम आपको और ज्यादा डीपली में बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से आने के बाद आपको मिलते हैं और मार्केट में जाने के बाद दिखाते हैं। और अल्लाह पाक सबका रोजा आसान करे और सबको सबर दे इस बार, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है हम लोग के इधर भी और सब जगह पड़ रही है। तो अल्लाह पाक सबका रोजा अच्छा मुकम्मल करे। रास्ता इतना ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर साइबा भी क्रॉस करेगी और देख सकते हैं हर तरफ गड्ढा वड्ढा सब ये लोग करके रखे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और हमने खरीद लिया, रूह अफ़ज़ा भी खरीद लिया। फायदा देखिए, हम लोग तो काम करने में थोड़े बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये लड़की जो है चांद रात देखने के बाद से कुरान स्टार्ट कर दी, इसका कहीं पीछे ना हो जाए। तो अभी देख लीजिए फटाफट ये कुरान की तिलावत कर रही है क्योंकि इसको कुछ काम नहीं करना है अभी। तो मैं फटाफट काम कर जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ काम करने पढ़ने में। मार्केट से आ गई है, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था बाकी वो मैं लेकर आ गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि तरावी का टाइम भी बहुत जल्दी हो रहा है, आज जल्दी टाइम गुजर रहा है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आज स्पेशल है चांद रात, तो चांद रात में मैं बनाऊंगी स्टू मटन का। सो मैं अभी बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर फटाफट में तरावी के लिए भी पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में तरावी पढ़ते हैं। सो फाइनली हम लोग, मैं अभी स्टू चढ़ा दी हूँ और बाकी जितने भी काम थे मैंने सारे फिनिश कर लिए। मैंने दही भी जमा दी क्योंकि भाई को दोपहर में दही और पराठा खाना है। मैंने सारे काम फिनिश कर दिए, मैंने दूध भी अभी ले लिया, आ गया मैं खोला ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और तरावी पढ़ने में। अभी आपको वजू बनाकर मैं आपको आगे बताती हूँ कि तरावी कैसे पढ़ी जाए। फायदा देखिए, हम लोग तो काम करने में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये लड़की जो है चांद रात देखने के बाद से कुरान स्टार्ट कर दी, इसका कहीं पीछे ना हो जाए। तो अभी देख लीजिए फटाफट ये कुरान की तिलावत कर रही है क्योंकि इसको कुछ काम नहीं करना है अभी। तो मैं फटाफट काम करके आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ काम करने पढ़ने। देख सकते हैं मेरा ये आउटफिट है और जो पीछे जो थोड़ा बहुत गंदगी मचा के रखती है साहिबा। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। तो मैं आप लोगों के साथ ये बताने वाली थी कि बहुत लोग जो ऐसे जिन्हें नहीं पता है कि तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तरावी की नमाज़ 20 रकात की होती है। जैसे आपका मर्जी, आप चाहे तो उसे 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, 10 रकात भी पढ़ सकते हैं या पूरा 20 रकात भी पढ़ सकते हैं। हम स्टार्टिंग से 20 रकात पढ़ते हैं, इसलिए हम कंटिन्यू 20 रकात ही नमाज़ पढ़ते हैं। तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो नमाज है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें इतनी सूरह नहीं याद रहती क्योंकि अलम तरह से स्टार्ट होती है और कुलौ रब्बिन नास पे ये तरावी की 10-10 रकात में ऐसे पढ़कर फिर वापस से रिपीट करते हैं अलम तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको अलम तरह सूरह से नहीं याद है तो आपको जो सूरह याद है आप उसी के साथ तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अलम तरह से स्टार्ट करें, आपको जो सूरह याद है आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात की तरावी की नमाज होती है, उसके बाद 4 रकात के बाद तरावी की सूरह पढ़ी जाती, तरावी की दुआ पढ़ी जाती है, जो कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, आप देखिएगा हमारे ब्लॉग में। तो तरावी की दुआ 4-4 रकात पे पढ़ने के बाद हम उसमें दुआ मांगते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी चाहे तो 10 रकात, 8 रकात या 12 रकात या 20 रकात पढ़ सकते हैं।
और ये नमाज जो तरावी की होती है वो 5 रकात नमाज ईशा की पहले पढ़ी जाती है, 3 रकात वितर और 2 रकात नफिल नमाज के पहले, क्योंकि वितर और नफिल से लास्ट नमाज हो जाती है, इसी वजह से उसके पहले ये तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपसे यही दुआ करेंगे कि आपका इस मुबारक महीने में आपका बहुत ही अच्छे से रमजान बीते और आप सभी को बहुत ही ज्यादा मतलब खैर और बरकत नसीब हो। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे और प्लीज हमारे चैनल पर जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे व्लॉग्स अब कंटिन्यूअसली 30 दिन तक आएंगे, क्योंकि रमजान आ गया तो हम आपको हर दिन दिखाएंगे कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज नहीं, और हमसे जितना हो सकेगा, हम बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम आपको जरूर बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें, क्या क्या अमाल आप कर सकते हैं इसमें। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक दुआ में जरूर याद रखिएगा।